जनपद मैनपुरी में सर्दी का प्रकोप चरम सीमा पर है। गरीब और असहाय लोग इस कड़कड़ाती हाड़ कपा देने वाली सर्दी से बचने के लिए कई तो आग का सहारा लेते हैं और कुछ गरीब लोग समाज सेवियों का मुंह ताकते हैं। लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीब असहाय बेसहारों के लिए अब तक पिटारा नहीं खोला है। लेकिन मैनपुरी में समाज सेवी किसी ना किसी बहाने, चाहे वह जन्मदिन हो चाहे वह पुण्यतिथि हो, गरीब असहाय और बेसहारों के लिए एक सहारा बनकर हर हाल में निकल कर आते हैं और लोगों की सुविधा मुहैया करवाते हैं। ऐसे ही जनपद मैनपुरी के मुनीम कोल्ड स्टोर के बाद भोगांव में भी एक समाज सेवी देव राजपूत ने अपने बेटे सार्थक के जन्मदिन के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। उन्नाव सांसद स्वामी सच्चिदानंद साक्षी महाराज के द्वारा 501 गरीबों को कंबल वितरण किए। इस अवसर पर वे मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने नागरिकता संशोधन बिल को लेकर देश में हो रहे बवाल पर कहा कि नागरिकता संशोधन बिल शरणार्थियों के लिए लाया गया है, अपने देश के लोगों का इससे कोई लेना देना नहीं है, किसी यानी हुई कांग्रेस की जालसाज है जो पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे कराकर फूट डालने का काम कर रही है। उन्होंने देश के हिंदू मुसलमानों से अपील की है कि उनका इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि देश में हिंदू भी नागरिक है और मुसलमान भी है, दोनों समुदाय के लोगों को पूरे अधिकार बराबर के हैं, किसी के बहकावे में ना आए। उन्होंने उन्नाव कांड को लेकर संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि बहुत ही शर्मनाक घटना हुई, हम शर्मसार हैं। इस घटना के तत्काल बाद ही पांचों अपराधियों को पकड़ लिया था, वह अब जेल के अंदर है। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि जैसे हैदराबाद में हुआ ऐसा ही हर जगह हो, तत्काल दंड मिले तो बलात्कार जैसे घिनौने अपराधों को रोका जा सकता है। देखिए जनपद मैनपुरी से संवाददाता गौरव पांडे की रिपोर्ट। आज साची जी आपके यहाँ पधारे थे, क्या प्रोग्राम था आपके यहाँ? हमारे बच्चे का 8वां जन्मदिन था, तो कंबल वितरण के लिए हमने माँ जानकी को आमंत्रित किया था। गरीब जो निर्धन असहाय है उन लोगों को कंबल वितरण के लिए हमने ये कार्यक्रम रखा अपने बच्चे के जन्मदिन। आज जो है ना गरीब असहायों को कितने कंबल वितरण करवाए हैं आपने? 200 कंबल वितरण किए गए और सारे लोगों को टोकन बाकायदा दिया गया था कंबल वितरण के लिए पहले ही से, जो जरूरतमंद है। आज आपने जो कंबल वितरण किया है लोगों के प्रति मतलब क्या कहेंगे कि कैसे काम करने चाहिए? लोगों के प्रति जो निर्धन है, गरीब है, असहाय है, जिनका कोई है नहीं इस दुनिया में, उनकी मदद करनी चाहिए। इससे उन लोगों को जरूरत है तो उनको सहायता मिलनी चाहिए, ये लोगों को संदेश जाना चाहिए। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।